ओम साई राम व्यूवर्स, मैं सुनीता भाद्री साई की रसोई में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम शुगर फ्री संदेश बनाएंगे। वैसे तो मिठाइयाँ सभी शुगर पेशेंट को मना होती हैं, लेकिन हम शुगर फ्री मिठाई बनाएंगे शुगर पेशेंट के लिए। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। ये हम खजूर लिए हैं, ये अपन छेना है, गाय के दूध का छेना है, आधा गिलास दूध है और थोड़ा सा देसी। सबसे पहले हम खजूर को दूध डालकर ग्राइंड कर लेंगे, मिक्सी में डाल करके। दूध एक साथ ही नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा डालेंगे। खजूर पिस गया है, अब हम इसे छन्नी से थोड़ा छान लेंगे ताकि इसमें जो खजूर के छिलके का थोड़ा सा टुकड़ा दिख रहा है वो निकल जाए। छान करके सारे पल्प को हम खजूर के अलग कर लिए हैं और ये सारे छिलके को अलग कर लिए हैं। अब हम छेने को अच्छे से मैश कर लेंगे ऐसे उंगलियों से दबाते हुए, ताकि छेने में कोई गुठली ना रहे। छेने को मैश करते हुए 5 मिनट हो गया है, हमारा छेना बिल्कुल चिकना हो गया है, बिल्कुल डो के फॉर्म में आ गया है। अब हम आगे ये हमारा जो खजूर का फल निकाले थे वो है। इसे हम पहले थोड़ा सा ऐसे ही भून लेते हैं, सुखा लेते हैं, उसके बाद हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे। खजूर थोड़ा सा पहले से सूखा है, जो पल था उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। 3 टीस्पून घी डालेंगे हम। इस स्टेज पर ही इसमें जो अपना छेना मैश करके रखे थे अच्छे से उसको ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें एक साथ खजूर और जो छेना था वो मिक्स हो गया है। अब हम इसे एक साथ थोड़ा अच्छे से भून लेंगे सूखने तक, ताकि इसका जो संदेश है वो बन सके। देखिए अभी तैयार है। 2 मिनट इसको और थोड़ा सा कर लेंगे। कढ़ाई बिल्कुल छोड़ दिया है, देखिए एकदम घी छोड़ने लगा है। तो इसमें हम लोग सिर्फ 3 टीस्पून छोटे वाले चम्मच से 3 चम्मच घी डाला था। ये बहुत ही हेल्दी संदेश है, इसे शुगर के मरीज भी खा सकते हैं, क्योंकि तो इसमें किसी भी प्रकार के शुगर का यूज नहीं किया गया है, ना गुड़ है ना चीनी, सिर्फ खजूर के अपनी मिठास से बना हुआ है। आप इसे बनाइए। खाली कर लेंगे, जैसे संदेश का थोड़ा सा ठंडा करके 2 मिनट जैसे संदेश बनाएंगे।
ठंडा हो गया है, इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। छोटे छोटे पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे पहले। खजूर ऐसे भी स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है और ये शुगर में भी खाया जा सकता है। इसलिए आप ये हेल्दी संदेश जो है बनाइए। इसे इस तरह से गोल करके हम साँचे से बना रहे हैं। अगर आपके पास साँचा ना हो तो आप इसी तरह से बाकी सब भी बना लेंगे, और अगर साँचा नहीं है तो आप सिंपल पेड़े के रूप में भी इसे बना सकते हैं। बाकी के सभी हम बना करके आपको दिखाते हैं। इस तरह से हम बाकी सभी संदेश को बना करके तैयार कर लेंगे। संदेश जो है वो कलकत्ते की बहुत ही फेमस मिठाई है। ये बहुत ही हेल्दी भी है। सारे संदेश बनकर के रेडी हो गए हैं और खाने में ये बहुत ही टेस्टी हैं और शुगर पेशेंट के लिए कोई नुकसानदेह भी नहीं है। आप इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट पढ़ने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ओम साईं राम।